अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। वो तो निकलना ही था, जाल पूरा थोड़ी पड़ा था उस पे। अब क्या देखने आओगे, वैसी दिखवा देंगे, अब तो पता नहीं चलेगा। हाँ आ जाओ जल्दी आ जाओ। ये वो कौन कर रहे? बाप रे, अरे मार मार क्यों रहे? हो गया काम है, अब फंस गया ना, अपना निकलना जी। अब बॉलीवुड भी नहीं, अभी भी है थोड़ा दो लठ बजा ओ, ओ, दीवार पे चढ़ने की कोशिश करो। अरे अंदर हो जा रे, निकल जाएगा भाई, निकल जाएगा। मार क्यों नहीं रहे? ओ चढ़ गया चढ़ गया चढ़ गया, सही कह रहे, इसको चोट लग रही है, मुझे लग रहा है। अरे दीदी यहाँ पर ये जब मैं यहाँ से बाहर निकला, मुझे मम्मी ने बोला कि बाहर देख क्या कुछ है, कुछ जानवर है क्या है। फिर मैं गेट पे आया, बाहर देखा तो पुलिस वाले खड़े थे। पुलिस वाले कह रहे अंदर रहो, बाहर मत निकलो। तो मुझे पता भी नहीं था है क्या चीज़। जब मैं यहाँ से गेट पे से अंदर वापस आ रहा, मैंने कहा चल यहाँ पे मेज वगैरह रखी है, मेज पीछे कर देता हूँ। जैसे ही मैंने मेज की तरफ गया तो पीछे बैठा वो देख रहा था। तो इतनी देर में फिर मैं अंदर आ गया। फिर तब मैंने बाहर पुलिस वालों को, खड़े थे पड़ोसियों को, इन्फॉर्म किया कि भाई तेंदुआ यहीं बैठा है। फिर उन्होंने जाल वाल भी लगाया, डेढ़ घंटे तक तो यहाँ रहा, डेढ़ दो घंटे जाल में से यहाँ से दीवार कूद के वो जाल में फंसा। कम से कम 10 से 15 मिनट जाल में फंसा रहा, पर पकड़ में नहीं आया वो इनके, क्योंकि इन्होंने ना तो कोई इंजेक्शन दिया उसे ना कुछ। जैसे आस पास में कोई जंगल भी नहीं है, रिहायशी एरिया है, क्या मानते किस तरीके से तेंदुआ कहाँ से? ये पहले तो पीछे साहब जंगल ही हुआ करता था, खेती थे। आज की डेट में तो प्लॉट प्लॉट सब बन गए, सोसाइटियाँ बन गई, अब जानवर का शहरों में आएगा। बर्ड की सूचना प्रातःकाल सुबह 8:30 से 9 के बीच में वन विभाग को प्राप्त हुई, जिसके बाद में टीम यहाँ पर पहुँची और एक घर में तेंदुआ छुपा हुआ था। पूरी प्लानिंग के साथ में, स्ट्रेटजी के साथ में जाल भी लगाया गया। हम लोग उसको ट्रैंकुलाइज करने ही वाले थे, जैसे कि उसमें बीच में इतना शोर हम लोगों का हो गया, तेंदुआ घबरा के दोबारा से बाहर निकलाया है। दोबारा से उसकी लोकेशन ट्रेस कर ली गई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि दोनों तरफ से जाल लग गए हैं। पूरी प्लानिंग हम लोग दोबारा से फ्रेश तरीके से कर रहे हैं। 2-3 टीमें और हम लोगों ने बाहर से भी बुलाई हैं, ताकि हम लोगों को अभाव रिसोर्सेज का ना रहे। और आप तो देख पा रहे हैं कि हम लोग पूरे उससे लगे हुए हैं कि हम लोग इसको रेस्क्यू कर पाएँ, सेफली रेस्क्यू कर पाएँ। पब्लिक से भी अपील है कि पब्लिक शोर ना मचाए, जितना शोर करेंगे उतना ही वाइल्ड लाइफ को थोड़ा सा एग्रेशन आता है, स्ट्रेस में होता है। जितना एनिमल स्ट्रेस में होगा उसको पकड़ने में उतना ही हम लोगों को परेशानी होती है। हम लोग पूरे कॉन्फिडेंस हैं हम लोगों को कि हम लोग इसको आराम से ट्रैंकुलाइज करके, या जैसे भी हम लोग को मौका लगेगा, इसको हम लोग रेस्क्यू करके सेफली रिलीज़ कर पाएंगे। और आप लोगों का भी इसमें सहयोग चाहिए कि भीड़ हम लोग भीड़ का नियंत्रण कर पाएँ। थैंक यू। अभी ऐसा कोई सूचना हम लोगों को नहीं है कि किस तरफ से आया है, क्योंकि ये सीज़न गन्ने के कटने का होता है। शुगर केन फील्ड्स में जनरली तेंदुए आ जाते हैं इस सीज़न में, और ये कटान का जब समय होता है तो वो हैबिटेशन वाले एरियाज़ में भी कभी कभार आ जाते हैं। ऐसा प्राय हम लोगों ने उत्तर भारत में देखा है, तो ये एक नॉर्मल इंसिडेंस है। लेकिन हम लोगों को जान माल की सुरक्षा और तेंदुए की सुरक्षा दोनों को देखते हुए हम लोग ऑपरेशन चला रहे हैं। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग यहाँ पर पूरे सुबह से ही मौजूद हैं, पूरी टीम मौजूद है, वन विभाग, पुलिस की टीम, एक्सपर्ट्स की टीम।
बिल्कुल, उसमें बहुत सारी चीज़ें ट्रैंकुलाइजिंग करते टाइम हम लोगों को प्लानिंग करनी होती है। एक्सपर्ट्स हमारे साथ साथ में हैं, हम लोग जैसे भी प्लानिंग के साथ में वाइल्ड लाइफ को रेस्क्यू किया जाता है, एक SOP होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, उसको हम लोग अपना रहे हैं, उसी के हिसाब से हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं इस प्रोग्राम में। सर, एक ही लेपर्ड ट्रैक हुआ है और भी होने? नहीं, बिल्कुल एक ही लेपर्ड है जो यहाँ पर देखा गया है, उसी की लोकेशन हम लोगों ने ट्रैक की है और हम लोग ये ऑपरेशन अभी जारी है। थैंक यू।